Assalamualaikum. अच्छा, वेलकम टू दिस वीडियो। हम CS201P को ये सेकंड फाइनल बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ फार वी गेट। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेसिकली एक क्लास लिखनी है एड मैट्रिक्स की, राइट? हमें बता दिया गया, बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन ही दी हुई है जो काम करना है। तो एड मैट्रिक्स की क्लास है, इसके दो हिस्से होंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक। लेट्स थिंक अबाउट द प्राइवेट फर्स्ट। वो भी बताया हुआ है बिल्कुल कि अ टू डायमेंशनल अरे नेम्ड मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर्स ऑफ डायमेंशंस 3 by 3। तो इंट मैट्रिक्स 3 by 3, ठीक हो गया? तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेट में और हमें किसी चीज़ की जरूरत है, क्योंकि फिक्स साइज की अरे है। सेटर मेथड है, उसका नाम भी बताया हुआ है, सेट मैट्रिक्स विच शुड असाइन द पास्ट अरे टू द अरे मैट्रिक्स। तो सेटर मेथड जारी बात है पब्लिक में होएगा, और फिलहाल मैं प्रोटोटाइप लिख रहा हूँ, बल्कि फंक्शन ही लिख लेते हैं, बाय प्रोटोटाइप। तो सेट मैट्रिक्स जो है इसको हमने पास करनी है एक अरे, राइट? अब मुझे नहीं पता, ये मेरे ख्याल है 1 dimensional अरे होएगी, तो इसको हम कह देते हैं int arr, इसको हम पास करेंगे, बाकी विल सी के आगे कैसे डेवलप होता है। इट शुड हैव टू कंस्ट्रक्टर्स, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है विच शुड इनिशियलाइज द अरे मैट्रिक्स टू 0। चलो ये तो इजी है, तो हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसने इस 2 dimensional अरे को 0 पे इनिशियलाइज करना है। तो 2 dimensional अरे पे जब भी काम करना है वो इट हैज टू बी रो एंड कॉलम, मतलब वो दो वो होएंगे। तो आई लेस देन इक्वल टू 2i++, कि एक रो को कंट्रोल करती है डायमेंशन दूसरी कॉलम को। राइट, और इसमें हमने करना क्या है जी, हमने मैट्रिक्स को सेट करवाना है टू 0, ऑल वैल्यूज टू 0। तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये हमें इसको 0 के ऊपर सेट कर देता है। तो आई थिंक इसमें तो हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, अब जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है विच शुड टेक एन अरे एज अ पैरामीटर, अगेन वही बात की है जो पहले की थी, एंड इनिशियलाइज द अरे मैट्रिक्स विद दिस पास्ट अरे, कॉल सेट मैट्रिक्स टू इनिशियलाइज द अरे मैट्रिक्स। तो बड़ा इजी हो गया काम। तो हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें हम एक अरे पास करेंगे। अरे का नाम बजाते खुद एक पॉइंटर है, तो इट हैज टू बी पास्ड लाइक दिस। ऊपर भी मेरी गलती है ये, या तो मतलब आपको चॉइस होती है, या तो आप ऐसे लिख लेते हो या आप पॉइंटर लिख लेते हो, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद। मेरा ख्याल ज्यादातर लोग इसके साथ ही कंफर्टेबल होंगे। अच्छा, इसके अंदर उसने बता भी दिया क्या करना है। वो कहता है कि इसके अंदर से सेट मैट्रिक्स का मेथड कॉल कर दो जो, और उसको वो अरे पास कर दो, ठीक है? ताकि वो मतलब ये वाली अरे जो है वो उसको पास कर दो। अब ये दोनों के नेम सेम हो जाएंगे, तो डिफरेंट कर लेते हैं थोड़े से, इसको एक्स कह देते हैं। राइट, जरा दोबारा पढ़ते हैं, क्या कहता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है विच शुड टेक एन अरे एज अ पैरामीटर, वो हमने कर दिया, एंड इनिशियलाइज द मैट्रिक्स विद द पास्ट अरे। वो करना कैसे है, एक्चुअली आपने सिर्फ सेट मैट्रिक्स को कॉल कर देना है, दैट्स इट, ठीक है? सेट मैट्रिक्स बाकी काम संभाल लेगा। अच्छा जी, अब एक ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर बनाना है विच शुड टेक रेफरेंसेस टू टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ एड मैट्रिक्स एंड एड द टू मैट्रिसेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स, रिटर्न अ रेफरेंस टू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब ओवरलोडेड ऑपरेटर बनाने के लिए आपको, एक तो उसने पहले ये भी बता दिया है कि रेफरेंस टू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स देना है, तो एड मैट्रिक्स टाइप का रेफरेंस वापस आएगा, ऑपरेटर है प्लस का, और उसने आपको ये भी बता दिया कि उसमें उसने दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो लेने हैं वो एज रेफरेंसेस लेने हैं। तो एक ए हो जाएगा और एज एक बी हो जाएगा। रेफरेंसेस एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है? बाकी हम देखते हैं, एड दीज टू मैट्रिसेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ये भी अभी ना करना है। पर तो बेसिकली हमने करना ये है कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो अगेन कुछ भी करो, वो जो है 2 dimensional अरे में लूप तो चलना ही चलना है। अच्छा जी, अब आपने बेसिकली ए का एक रो कॉलम पकड़ के बी के रो कॉलम में कॉरेस्पॉन्डिंग में ऐड कर देना,
ठीक हो गया, ये ऐड हो गए, और ऐड होके इनको रखोगे किधर, दैट इज अ क्वेश्चन. यू कैन हैव अ टेम्परे इफ यू वॉन्ट, आई डोंट नो, ये भी हो सकता है, बट बहुत बहुत सारे रास्ते होते हैं. तो यू कैन हैव टेम्प, और फिर वो टेम्प का रेफरेंस आप वापस भेज सकते हो. यदि ये जो रिजल्ट होएगा ये आप टेम्प में डाल दो ना इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स में, ठीक है. अब आप ए की एक वैल्यू पकड़ के बी में ऐड करते हो, बी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पकड़ते हो, दोनों को ऐड करके टेम्प की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में रखवा देते हो. तो बाय द टाइम दिस लूप एग्जीक्यूट, ये खत्म होता है, टेम्प विल बी रेडी, राइट. टेम्प बन चुका है, उसके बाद इवेंचुअली आप टेम्प को रिटर्न करवा देते. आई थिंक दिस शुड बी इट, ये ऐड का हो होएगा. अच्छा, एक फ्रेंड फंक्शन मल्टीप्लाई विच शुड टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है मल्टीप्लाई विच टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट एंड एन इंटीजर, विच विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ योर व्यू आईडी लाइक दिस. अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई दिस डिजिट विद द पास्ट रे ऑफ द मैट्रिक्स रिटर्न द रेफरेंस टू. अच्छा फ्रेंड बनाना है, आई एम नॉट श्योर व्हाई, तो फ्रेंड जो है वो क्लास के बाहर बनता है, तो आई थिंक मैं यही यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला भी जो है वो रिजल्ट रिटर्न रेफरेंस टू रिजल्टेंट मैट्रिक्स करता है ना, तो ये भी रिटर्न करेगा. अब फंक्शन का नाम जो है इस दफा वो मल्टीप्लाई है, और पकड़ता क्या है वो रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट एड मैट्रिक्स, ये पहला आर्गुमेंट हो गया, विच मीन्स ये ए तो यही रहेगा, और उसके बाद एक सिंपल इंटीजर होएगा, ठीक है. तो बी जो है वो इंटीजर होएगा, और नीचे से आपने कॉल करते हुए ख्याल रखनी है कि वो व्यू आईडी का जो लॉजिक है वो उसके अंदर इंप्लीमेंटेड हो. मल्टीप्लाई दिस डिजिट विद द पास्ट अरे मैट्रिक्स एंड रिटर्न द रिजल्टेंट, ठीक है. तो मैंने मेरे ख्याल सही कॉपी किया था, और ये सारा ही कॉपी कर लेना चाहिए, ये सेम ही हो. राइट, तो देख लेते हैं जरा. तो इसमें मैंने एक टेम्प बना ली, टेम्प बनाने की जरूरत है इसमें, आई थिंक होएगी. खैर मेरे पास जो मैट्रिक्स आया है इस दफा मैंने उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है हर वैल्यू को पकड़ के बी के साथ, जो वो एक स्टैटिक इंटीजर वैल्यू है, दैट्स इट. उसके बाद मेरा टेम्प तैयार हुआ और मैंने टेम्प वापस कर लिया. फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? फ्रेंड्स ऐसे बनते हैं कि इसकी प्रोटोटाइप उठा के आप क्लास के अंदर ले जाते हो, जिधर मर्जी रख लो, मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, यूजली आदत ऐसी है, ठीक है जी. और इससे पहले आप एक कीवर्ड लगा दो कि ये फ्रेंड है, तो ये मल्टीप्लाई का फंक्शन बन गया जो फ्रेंड बन गया. अच्छा अब एक फंक्शन चाहिए डिस्प्ले का, विच कुड ईदर टेक अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट एड मैट्रिक्स और यूज दिस पॉइंटर, तो अजीब सा ही लिखा हुआ है. डेफिनेटली डिस्प्ले का फंक्शन बनाना चाहिए, लेकिन उसने मतलब जिस तरीके से उसने लिखा हुआ है वो लग रहा है कि नॉन मेंबर फंक्शन होएगा, दैट्स नॉट द केस, ये ऐसे होएगा. और पता नहीं इसको, विच कुड ईदर टेक अ रेफरेंस, ईदर टेक अ रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसकी नहीं जरूरत ना, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है. तो डिस्प्ले को जो बंदा कॉल करेगा इसको आप प्रिंट करवा लोगे. अब प्रिंटिंग का कोई खास तरीका बताया हुआ? अच्छा इस तरह से करना, तो प्रिंटिंग में आप इस तरह से करोगे कि अब आप लूप्स ही चाहिए आपको, दोबारा वही वाला है. राइट, नेस्टेड लूप के बगैर तो कहानी चल रही नहीं ना इसमें. तो यहाँ पे आप ऐसा करो कि सी आउट कर लो, मेरी अरे का नाम क्या था, मैट्रिक्स आई और जे, ठीक है. और उसके बाद लगा दो एक थोड़ा सा टैब स्टॉप ताकि वो गैप क्रिएट हो जाए. अच्छा मंस, अब इसके ना ब्रैकेट्स आपको इधर भी लगाने पड़ेंगे, मैं बताता हूँ क्यों. वो इसलिए कि जब ये बेसिकली एक रो प्रिंट कर चुका होएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ना अब वो डालना पड़ेगा, न्यू लाइन डालनी पड़ेगी, और दिस नो अदर वे आउट, और ये आपका फॉर का ब्रैकेट बंद रहेगा, तो ये उसको मैट्रिक्स को डिस्प्ले भी कर देगा. अच्छा अब रह गया मेन चलाना, आई डोंट नो के हाँ मेन भी पढ़ लेते हैं फिर मेन चलाते हैं. अच्छा मेन में जो है मेक एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास एड मैट्रिक्स यूज द फॉलोइंग मैट्रिक्स अरे, यानी वो कह रहा है कि पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लो, एड मैट्रिक्स का नाम उसने नहीं बताया, तो मैं इसका नाम टेस्ट रख लेता हूँ. ये इसका इंस्टेंस बना लिया हमने, लेकिन मेरा ख्याल है वो कह रहा है कि हमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था ना वो कॉल करना है, उसके लिए हमें पहले ये एक अरे बनानी है. ये कितने सेल्स की है, 9 सेल्स होंगे ना, तो हम कहते हैं इंट ए ही कह लो, 9 सेल्स की होएगी ये,
और मेरे ख्याल ऐसे इनिशलाइज भी हो जाएगी बस, है ना। मतलब यू कैन डू इट इन अ लूप अगेन, बट वो क्या है, सिंपल एक अरे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये अरे की रेफरेंस जो है ये पास होएगी कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था वो ये वाला था, ठीक है। ये अरे रिसीव करेगा एक्स के अंदर, उसको पास कर देगा सेट मैट्रिक्स के मेथड को। अब सेट मैट्रिक्स का मेथड हमने लिखना है, एक्चुअली हमने लिखा ही नहीं है, खैर लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सेट मैट्रिक्स में अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो शुरू में इसलिए लिखा था कि समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, मतलब वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। अच्छा जी, अब आपको बेसिकली तो एक काउंटर चाहिए जो एक यूनिवर्सल काउंटर होएगा, मेरा ख्याल है उसको आप कह दो काउंट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आके आप कहते हो कि मैट्रिक्स का आई और जे वाला सेल इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ, एयर आर का काउंट प्लस प्लस। मैं एक लाइन बचाना चाह रहा हूँ कि मुझे लिखनी ना पड़े, तो आई थिंक दिस शुड बी फाइन। कि पहले वो, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो पहले वो ए आर आर का 0 वाला सेल उठा लेगा, 0 वाला सेल उठा के इसको दे देगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में ये 1 हो चुका होएगा तो फर्स्ट सेल उठा के दे देगा, एंड इवेंचुअली 9 सेल्स उठा के उसमें मैट्रिक्स में रख देगा। ऑब्वियसली वी कैन चेक ऑल दिस, हम प्रिंट करवाएंगे तो समझ आ जाएगा, बल्कि प्रिंट करवा लेते हैं, मतलब मेरे ख्याल है इस स्टेज पे अच्छा होएगा कि प्रिंट करवा लें और फिर देखेंगे क्या होता है। तो हम इस दफा कहेंगे टेस्ट डॉट डिस्प्ले। अच्छा जी, अब इसको एक दफा कंपाइल करके देखें कि ये क्या करता है। तो ये है मैट्रिक्स क्लास, राइट, कंपाइल करें। अच्छा जी, एरर ऐड मैट्रिक्स मस्ट टेक इधर 0 और 1 आर्गुमेंट, बट वाई, मैंने, अच्छा राइट, एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रहा और बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन ये अजीब सी लाइन है ना, वी शुड टेक रेफरेंसेस टू टू ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ, ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, दिस इज राइट, कि ये 2 रेफरेंसेस नहीं ले सकता, प्लस का ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होता है, तो इट्स, देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस। तो अब इसको आपने करना कैसे है, इसको आपको करना दिस ऑपरेटर से पड़ेगा, बट राइट नाउ मैं इसको कॉमेंट करने लगा हूँ और हम इसको बाद में आके देखते हैं जब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इस वजह से वो ये प्रॉब्लम बनेगा। अच्छा जी, मोमेंट, मेरा ख्याल है मैं इसको ही अभी कमेंट करने लगा हूँ और फिर ट्राई कर। अच्छा जी, हाँ, इस लाइन पे आके बार बार फेल कर रहा है, विच इज लिटिल बिट स्ट्रेंज। चलो देखते हैं। तो नो मैच फॉर ऑपरेटर, ऑपरेंड टाइप्स आर एड मैट्रिक्स एंड इंट। तो एड मैट्रिक्स जो है वो, राइट, प्रॉब्लम ये है कि एड मैट्रिक्स तो एक क्लास है ना, तो उसका मुझे उसकी मुझे एक वैल्यू गेट करनी है, तो मुझे ये एड मैट्रिक्स नहीं लिखना था यहाँ पे, मुझे ए डॉट मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, कि ए के अंदर जो मैट्रिक्स की वो है उसको यूज करें। अच्छा जी, इधर क्या हुआ है, इनवैलिड इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन कॉन्स्ट रेफरेंस टू एड मैट्रिक्स फ्रॉम एन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंट स्टार 3। आई थिंक, आई बिलीव दिस शुड सॉल्व इट। नहीं हुआ, नॉन कॉन्स्ट रेफरेंस ऑफ टाइप एड मैट्रिक्स फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ इंट स्टार 3, अच्छा ये इशू थोड़ा गंभीर है, बेसिकली वो उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो अब मैं करना ये पड़ेगा कि हमने एक तो देनी एड मैट्रिक्स की रेफरेंस है, तो वो तो हम रखेंगे, ठीक है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ऐड मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा हुआ है, रिटर्न अ रेफरेंस टू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तब ये जरा कंफ्यूजिंग है कि ये क्या लिखा हुआ है, मतलब ये समझ नहीं आ रही कि अब ये, मतलब वो ऑब्जेक्ट मांग रहा है या क्या, नॉर्मली ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि ऐड मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। तो हम ऐड मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं रादर देन वो, हम उसको कहेंगे टेम्प, ये ऑटोमेटिकली 3 बाय 3 का बन जाएगा,
और जाहिर बात है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा तो वो जीरो कर देगा उसको, ठीक है। अच्छा, अब टेम्प का जो मैट्रिक्स होएगा, टेम्प की जो मैट्रिक्स होएगी उसके आईजे सेल में हम वो रखेंगे, ठीक है। यानी सिर्फ एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और आ गई है। अच्छा, अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न अब टेम्प ही करना है। तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट इट वांट्स कि वो वाला ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक तो ऊपर भी आपको चेंज करनी पड़ेगी आई थिंक। हाँ, वो निकल गया ना यार, निकल गया। अच्छा, अब ये है कि ये कौन सा ब्रैकेट है, राइट फंक्शन आपका इधर खत्म हो जाता है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, हटा दिया। आई थिंक कोड कंपाइल्ड है, एक वार्निंग है, बट दैट्स ओके। और इसको रन करते हैं, तो मेरा मैट्रिक्स आई थिंक यही दिखाना चाह रहा है, 0 1 2 3 0 3 1 2 0। चलो जी, यहाँ तक तो हमारा एक मैट्रिक्स हो गया कि डिस्प्ले तो हो गया। अच्छा जी, कॉल द फ्रेंड फंक्शन मल्टीप्लाई एंड पास द अबव क्रिएटेड इंस्टेंस एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ योर वीयू आईडी। तो मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ, उसको ऐसे कहते हैं कि सी आउट, यानी जो उसने लिखा हुआ है वैसे ही कर देते हैं ना, सी आउट मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी, अच्छा जी, ये हमारा मैट्रिक्स डिस्प्ले हो गया, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब हमें कॉल करना है मल्टीप्लाई का फंक्शन, यानी ये वाला, तो ठीक है, इसको कॉल कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई का फंक्शन हम कॉल करते हैं विद, इसको देना क्या है, इसको आपने दो आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, एक वो कह रहा है कि यही वाला मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट पास करो जो आपने बनाया है, यानी टेस्ट, और दूसरा अपनी वी यू आई डी का फर्स्ट डिजिट पास कर दो। मैं 2 कर देता हूँ जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, दिस विल डेफिनेटली रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, राइट। हमने यही तो सारी बात की थी कि ये हमें एड मैट्रिक्स का एक रेफरेंस वापस भेजेगा, ठीक है। तो इसको एड मैट्रिक्स के एक मल नाम के ऑब्जेक्ट में हम रखवा लेते हैं, बल्कि ऐसे ना करो, ऑब्जेक्ट बना लो और फिर उसको असाइन करवा दो। आई थिंक दिस शुड बी फाइन, हमें ये इसको ओवरलोड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब इसका टेस्ट क्या होएगा कि मल को डिस्प्ले कर लो एंड यू विल फाइंड आउट कि वो क्या कर रहा है। तो इससे पहले हम एक सी आउट का मैसेज लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डिजिट 2। इसमें एक दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। एक वार्निंग है और एच एक सेमी कोलन है, राइट, गुड, एटलीस्ट वो तो हो गया। अब देखते हैं कि करता क्या है। तो 0 2 4 6, मतलब सारा कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी वांटेड, सो सो फार सो गुड, ठीक है। अच्छा जी, एड दीज 2 मैट्रिसेस एन इंस्टेंस क्रिएटेड अबव एंड मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स यूजिंग द ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर। रिमेंबर, ये वो है जिसको मैंने कमेंट किया था बिकॉज इंस्ट्रक्शंस ये अजीब सी थी, मतलब ये जो ये वाली इंस्ट्रक्शंस हैं ये काफी गलत है। मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। प्लस का जो ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर है, टेक्स 2 ऑब्जेक्ट्स, राइट, एक लेफ्ट पे होता है, एक राइट पे होता है। अब जो लेफ्ट का ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्सप्लिसिटली पास नहीं करना पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट ड्राइविंग फोर्स होता है और वो आपको अवेलेबल होता है। अब मैं इसके इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जाऊंगा और मैं इसको ठीक करूंगा, तो डेफिनेटली आई ओनली नीड 1, सिर्फ मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए, वो ए है, दूसरा ड्राइविंग फोर्स है। अच्छा जी, वो सेम मिस्टेक है हमने जो नीचे की थी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो हम इसको कहेंगे कि बजाय इसके कि हम सिंपल अरे बनाएं, हम ये बनाएं एड मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, तो अब हम कहेंगे कि टेम्प के मैट्रिक्स अरे में डाल दो जो ए की मैट्रिक्स अरे में है। अब ये बी को हमने रेफरेंस कैसे करना है, सारा रौला ये है। तो बी को आप रेफरेंस दिस से करोगे, आई डोंट थिंक देयर इज अनदर वे टू डू इट। तो दिस मैट्रिक्स आई और जे, ये क्या हो गया, ओहो, इंसर्ट दबा हुआ था, प्लस ए, राइट। तो मैं एक आर्गुमेंट लेके आया हूँ ड्राइविंग फोर्स में, वो मैं इसके जरिए से कर सकता, बल्कि मैं दिस ना भी लिखूँ तब भी चलेगा ना, बिकॉज इट विल बी रेफरिंग टू द ड्राइविंग फोर्स ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट है जो मैं एक्सप्लिसिटली लेके आया हूँ। इन दोनों को मैंने ऐड करके टेम्प के अंदर डाल दिया, टेम्प के अंदर कैलकुलेशन होगी, टेम्प वापस आ जाएगा। अच्छा जी, ये अब कंपाइल होना चाहिए, लेट्स सी। वार्निंग्स ही हैं दोनों मेरा ख्याल है, यस कंपाइल होएगा, ठीक है। अच्छा, अब एड दीज 2 मैट्रिसेस
बाय यूजिंग द ओवरलोडेड ऑपरेटर। ठीक हो गया जी। तो मैं अगेन अब एक एड मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ, एडेड कह देता हूँ उसको, ठीक है। और मैं एडेड में डालना चाह रहा हूँ एक तो टेस्ट मैट्रिक्स जहां से मेरी कहानी शुरू हुई है, प्लस मैं उसके अंदर करना चाह रहा हूँ मल वाला, और उसके बाद मैं एडेड को डिस्प्ले करवा लूंगा, ठीक है जी। ऑब्वियसली सी आउट का मैसेज उससे पहले लिख लो एक, दैट्स फाइन। उसमें क्या लिखना है, उसमें सिर्फ सम लिखना है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचते हैं इसके साथ। तो सम मैट्रिक्स मेरा ये आया, जरा ऐड करके देखते हैं। 0 0 0 है, 1 प्लस 2 होएगा ना तो वो 3 आ जाएगा, फिर 2 प्लस 4 होएगा तो वो 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब मेरा ख्याल ठीक ही आ गया, लेकिन ये आउटपुट इसकी भी ऐसी है, 0 3 6 9 0 9, एंड या दैट्स फाइन, ओके ग्रेट। तो सारे मेरे ख्याल चल गया, इसमें कोई खास वो नहीं है, इशू नहीं है। तो इसमें बताने वाली जो खास बात है, वो सिर्फ जो डिविएशन है ना, वो जो मेरी डिविएशन है एटलीस्ट, वो सिर्फ ये है कि ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर को मैंने 2 रेफरेंसेस नहीं दिए, वो दे ही नहीं सकते दो, वो सिर्फ एक दे सकते हैं। बाकी एज इट इज जैसे था वैसे ही है। चलो, होप इट वॉज यूजफुल फॉर यू, थैंक यू।